अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बचे हुए चावलों से ही एक रेसिपी बताऊंगी, गार्लिक एंड लेमन राइस। इसके अंदर गार्लिक का भी फ्लेवर आएगा और लेमन का भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 कप चावल है बॉयल, फुल बॉयल है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून लहसुन है। नमक टू टेस्ट है क्योंकि चावलों के अंदर भी नमक है। सफेद मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लेवल लेमन जूस है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चे हैं, 1 अदद अंडा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे चिली सॉस चाहिए और जर्दे का रंग चाहिए। यहाँ देगची के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है 3-4 टेबल स्पून। इसके अंदर मैं डाल दूंगी लहसुन और इसे फ्राई करूंगी। फ्राई हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी अंडा, मिक्स करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, सफेद मिर्च, साथ में डाल दूंगी चावल, इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक टू टेस्ट, चिली सॉस और इसे हमें चाहिए 1 टीस्पून, मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी लेमन जूस और थोड़ा सा मैं येलो कलर डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है लेकिन हल्का सा मुझे चाहिए इसके अंदर ताकि लेमन का कलर्स आ जाए। मिक्स करेंगे और इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। चावल हो चुके हैं, चूल्हा में बंद कर दूंगी और इसे प्लेटर में निकालूंगी। ऊपर से मैं डाल दूंगी जो कुटी हुई सुरख मिर्चें थी। गार्लिक लेमन राइस तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई सी नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।